हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द आइसबर्ग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में। इन दोनों सिग्नल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और दोनों की एप्लीकेशंस क्या हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में जानने से पहले चलिए समझते हैं कि सिग्नल आखिरकार क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल की क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मतलब है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करती है, उसे हम सिग्नल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक ओपन रोड पर जो है वो बाइक राइड कर रहा है। जब वो बाइक राइड कर रहा है तो उस बाइक की एक स्पीड है, पर्टिकुलर उसकी स्पीड है, और ये जो स्पीड है एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो स्पीड है वो समय के साथ वेरी करेगी। जैसे कि अगर उस राइडर को एक ओपन रोड मिलता है तो वहाँ पे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, जैसे ही ट्रैफिक या मार्केट एरिया आता है तो वहाँ पे उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही वहाँ पे कोई स्टॉप एरिया आएगा या फिर चौराहा आएगा तो वहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो या तो बहुत डाउन हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ग्राफिकल जो फॉर्म है वो एक वेरिएशन दिखा रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे हम कहते हैं सिग्नल। इस ग्राफ को देखकर हम ये समझ सकते हैं या ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रही है। हायर पीक का मतलब है स्पीड का इंक्रीज करना, पीक का डाउन आना इसका मतलब है स्पीड का डिक्रीज होना। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ एक इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है जिसे हम सिग्नल कहते हैं। तो अब बात करते हैं सिग्नल के जो टाइप्स हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, इन दोनों के बारे में। तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं जो कि समय के साथ निरंतर चेंज होते रहते हैं। अगर एनालॉग सिग्नल्स को हम देखें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहती है, उसे हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। और इन सिग्नल्स को साइन वेव के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर अभी कभी आपने ECG करवाया हो या कोई ECG की रिपोर्ट देखी हो तो वहाँ पे आपका जो हार्ट रेट है उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ आपको दिखाई देता है। वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है, उसे हम साइन वेव कहते हैं या फिर एनालॉग सिग्नल कहते हैं। सेकंड बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। दोस्तों, डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल की तुलना में टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी नहीं करते, यानी कि कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल से नहीं होते, लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। ये समय के साथ सिर्फ दो ही वैल्यूज़ में या डिजिटल फॉर्म में जो है सिग्नल्स को कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नल्स जो है यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में सिर्फ दो ही स्टेजेस पे रिप्रेजेंट होगी, 0 और 1। लोअर सिग्नल यानी कि 0, हायर सिग्नल या हायर स्पीड या कोई भी पैरामीटर जो हायर साइड में है उसको ये 1 के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एक सिग्नल है, इसका जो एप्लीकेशन है यानी कि यूज़ है वो है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना। तो एनालॉग सिग्नल का ये यूज़ है। सिमिलरली डिजिटल सिग्नल का भी इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन समय और टेक्नोलॉजी में सुधार या बढ़ोतरी के साथ साथ एनालॉग सिग्नल्स का जो इस्तेमाल है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और उसको डिजिटल सिग्नल ने रिप्लेस कर दिया है। इसके क्या कारण है, एनालॉग डिवाइस और सिग्नल दोनों ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को रीड करना के लिए एक पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है। अगर माने एक साइन वेव है उसको रीड करने के लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है, एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इसी सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और एक डिजिटल वैल्यू के रूप में आपके सामने आ जाए तो वो आपको एक बेटर वैल्यू या फिर बेटर रीडेबिलिटी आपको देता है, जिससे कि डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी और यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स के माध्यम से हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये एनालॉग सिग्नल का ग्राफ है और ये डिजिटल सिग्नल का ग्राफ है। तो इन ग्राफ के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल जो है वो ये उसको साइन वेव के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है उनको स्क्वेयर वेव के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन वेव का मतलब है एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं समय के साथ, हर पर्टिकुलर टाइम पर हर पर्टिकुलर पॉइंट पे साइन वेव में या एनालॉग सिग्नल में डिफरेंट वैल्यू जनरेट होगी। और इसके अगेंस्ट जब डिजिटल सिग्नल की बात करें तो टाइम के साथ सिग्नल वेरी तो हो रहा है लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही आपके पास रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो सिग्नल की जो वैल्यूज़ हैं किसी भी टाइम पे या तो 0 होगी या 1 होगी, जबकि एनालॉग सिग्नल में वो 1 और 10 के बीच में भी आपको 1, 1.5, 1.6 इस तरह से 1 पॉइंट फ्रैक्शंस में भी वो इन्फिनिटी लेवल तक जो है वो आपको वैल्यूज जनरेट कर सकता है। अब बात करें एक्यूरेसी की,
तो एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में ये परसेप्शन रहता है कि डिजिटल सिग्नल्स एक्यूरेट होते हैं और एनालॉग नहीं होते, बट ये गलत है। सिग्नल्स एक्चुअली एनालॉग एक्यूरेट होते हैं, लेकिन अगर हम रीड करने की बात करें तो एनालॉग सिग्नल को हम प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते, इसलिए उसको एक हम कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल भी कम हो गया है या उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत जगह से डाइल्यूट हो गई हैं और अब हम डिजिटल की फॉर्म में बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल फॉर्म को या डिजिटल सिग्नल को रीड करना तो ईजी होता है, लेकिन वो वैल्यूज़ कभी भी एक्यूरेट या 100% एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो एनालॉग सिग्नल अगर एक और दो के बीच में 10 वैल्यूज दे रहा है तो डिजिटल सिग्नल सिर्फ एक और जीरो और वन यानी सिर्फ दो ही वैल्यूज दे रहा है, यानी बीच की जो 9 वैल्यूज हैं वो उसमें कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, उनको रीड नहीं किया जाता। तो इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल किस तरह से एक दूसरे से वेरी है या कौन एक्यूरेट है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी, कि जनरेट कैसे किए जाते हैं या फिर जो फिजिकली एग्जांपल्स हैं एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल्स के वो क्या हैं। एनालॉग सिग्नल का जो फिजिकल एग्जांपल है वो है नेचर में जितनी भी नेचुरल वॉइस या सिग्नल्स या फिजिकल क्वांटिटीज है वो एनालॉग सिग्नल है। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपसे बात की कि ECG में जब आपका हार्ट रेट एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है तो वो साइन वेव के रूप में रिप्रेजेंट होता है, वो एक एनालॉग सिग्नल है और एक नेचुरल सिग्नल है। इसको किसी भी इंजीनियरिंग मीडिया से क्रिएट नहीं किया जाता, ये प्राकृतिक रूप से आपके शरीर से क्रिएट होता है, आपका हार्ट उस सिग्नल को क्रिएट करता है। इसके अलावा टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टाइम के साथ वेरी करती रहती है और ये एक नेचुरल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी एक एनालॉग सिग्नल का एक फिजिकल एग्जांपल है। और इसके अगेंस्ट में अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं वो डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल है। व्हाट्सएप पे चैट करना, ठीक है, मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नल्स के एग्जाम्पल हैं। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं या एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एज इट इज़ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि एक राइडर बाइक चला रहा है, स्पीड को वो एज इट इज़ रिकॉर्ड करेगा जैसे ही उसकी स्पीड में फ्लक्चुएशन आएगी। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल जो सिग्नल है वो उस पर्टिकुलर स्पीड को जीरो और वन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पर हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते या एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जो है उसकी स्पीड वेरिएशन का हमारे पास नहीं आ पाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया और उनके बीच के जो डिफरेंस हैं उनको हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।